और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई। छतरपुर के पथेरा गांव में हुई इस घटना में अभी पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो नहीं आ पाई है। आपको बताते चलें कि बीते महीने मध्य प्रदेश में जहरीली शराब पीने से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तो जहरीली शराब पीने के बाद मौत सामने आई, हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आ पाई है। और चलिए, इस पर ज्यादा अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी गोविंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। जी गोविंद, क्या है पूरा मामला और क्या अपडेट हो, बताइए। देखिए, मध्य प्रदेश में जहरीली शराब की वजह से मौतों का जो सिलसिला है वो लगातार सामने आता रहा है। पिछले महीने मुरैना जिले में 26 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी, जिसमें वजह सामने जो आई थी पोस्टमार्टम के बाद, और ये ऑफिशियली डिक्लेयर भी हुआ था कि जो डेथ हुई थी वो जहरीली शराब पीने की वजह से हुई थी, जिसके बाद एक बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई थी, तमाम प्रशासन को बदल दिया गया था। और ये जो तस्वीर है ये छतरपुर जिले की है, जहां जो पथेरा गांव है वहां तकरीबन बताया जा रहा है कि एक आधा दर्जन के से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं जहरीली शराब, इसके पीछे वजह बताई जा रही है, और 4 लोगों की मौत बताई जा रही है। हालांकि प्रशासन ने अभी पुष्टि नहीं की है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो उस गांव के निवासी हैं, वो बता रहे हैं कि वहां एक पैरवी का कार्यक्रम था जहां इन तमाम लोगों ने शराब पी, उसके बाद इन्हें तमाम हेल्थ इश्यूज हुए, किसी की आंखों की रोशनी कम हुई और किसी को फूड पॉइजनिंग हुई, और इनमें से 2 लोगों की डेथ पहले हुई है और अभी 2 लोगों की और डेथ बताई जा रही है। तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हालांकि इंतजार करना होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जिस तरह के बयान जो गांव वालों के रिकॉर्ड किए गए हैं वो बताते हैं कि ये तमाम डेथ्स के पीछे, मौतों के पीछे जहरीली शराब एक वजह हो सकती है। जी जी गोविंद, आपका शुक्रिया।